खबर पूर्वी दिल्ली से है, जहां सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी निगम द्वारा उनकी ड्यूटी डिस्पेंसरी, अस्पतालों और आंगनबाड़ी में लगाए जाने से खासा नाराज। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी संख्या पहले ही कम है, ऐसे में उन्हें मूल कार्य से हटाकर अस्पतालों और डिस्पेंसरी में भेजा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सर्वे के कार्य में भी एमसीडी कर्मियों को ही लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। एक अन्य सफाई कर्मचारी का कहना है कि सिविल डिफेंस में कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, लेकिन हम लोगों की संख्या पहले ही कम है, हमारे विभाग में भर्ती नहीं की जा रही, जबकि हम लोगों की ड्यूटी मूल कार्य से हटाकर अन्य कार्यों के लिए लगाई जा रही है। देखिए, मुद्दा ये है कि हमारे ईडीएमसी में सफाई कर्मचारियों की पहले ही संख्या कम है, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, तो कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। उस पर सफाई व्यवस्था अब चरमरा सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट बिना आदेश के, क्योंकि हमें भी आदेश नहीं दिखाए हैं, कर्मचारियों को आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी में भेजा जा रहा है काम करने के लिए, डिस्पेंसरियों में भेजा जा रहा है, और जो भी मतलब समुदाय भवन में भेजा जा रहा है, जहाँ कर्मचारियों की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ उनको ज़बरदस्ती काम के लिए भेजा जा रहा है, और तो और सर्वे के लिए, जबकि उनको कुछ नहीं पता। हमारा कम पढ़े लिखा कर्मचारी है, वो क्या सर्वे कर पाएगा? अगर सर्वे कराना है तो डॉक्टर से कराओ, उसमें हमारी टीचरें लगा रखे हैं, तो ये सरासर गलत है। सफाई कर्मचारियों ने संकेत दिया है कि जिस तरह से उनकी संख्या लगातार घट रही है, उससे उन्हें सफाई करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे में पूर्वी दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था भी चरमरा सकती है।